हाय गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। मेरे नाम से पांच और स्वागत है आप लोग का एक और नई बेहतरीन सी वीडियो में। आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि गाड़ी भी बहुत ज्यादा स्पेशल है अरुण पवार भाई की, क्योंकि हम इन दोनों की ड्रैग रेस करने वाले हैं। ये वाली है डीजल ऑटोमेटिक थार जो कि प्रोड्यूस करती है 130 bhp और 350 nm ऑफ टॉर्क, और ये है डीजल ऑटोमेटिक एक्सयूवी 320 nm ऑफ टॉर्क। और भाई ये वाली जो डीजल ऑटोमेटिक एक्सयूवी प्रोड्यूस करती है 450 nm ऑफ टॉर्क और 185 हॉर्स पावर। तो भाई आपको क्या लगता है कि कौन सी जीतेगी? ऑब्वियसली एक्सयूवी। तो आपको ये नहीं लगता कि टक्कर भी दे सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत पीछे रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल में टक्कर दे सकती है भाई, क्योंकि वेट कम है। तो भाई प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इंजन तो सेम ही है, वही 2.2 लीटर का। जी भाई, चलो भाई करके देखते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस राउंड वन स्टार्ट करते हैं। अरुण भाई रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। भाई नॉर्मल में ही है, भाई मेरी नॉर्मल में है, ठीक है। हाँ ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ। तो भाई तीन हो या फिर 1 2 3 करोगे? एक और तीन ही कर लेते हैं। चलो मेरा भी भाई देखो ट्रैक्शन ऑफ हो गया। हाँ भाई ट्रैक्शन ऑफ हो गया मेरा। हाँ भाई हाँ भाई, ये तो रियर व्हील ड्राइव है ना। चलो एक दो तीन भाई 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 फर्स्ट राउंड फेल हो गया भाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंगेज रह गया, पार्किंग ब्रेक एंगेज हो गया, सॉरी। हाँ भाई पता ही नहीं लगती ऊपर है नीचे। बाय बाय सर, सॉरी अरुण भाई। वो तो भाई बहुत ऑब्वियस था कि कौन सी जीतेगी, लेकिन एक्सयूवी यहाँ पर जीतती हुई। ये देखो भाई, वो रहे अपने मोनू भाई, ये रही भाई की थार। इसे एक गाड़ी जरूर टक्कर दे सकती है, वो वहां पे खड़ी है भाई। बहुत गैप था। ये उठती अच्छे से उठती है, वैसे वो भी अच्छी उठती है। अरुण भाई क्या रहा? अरे हार गए यार। फिर से ट्राई करो अपना 100%। हाँ भाई, भाई वापस आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, क्योंकि वहां से मैं बोल रहा था भाई को कि वहां से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है रेस करने में। यहाँ से ज्यादा सही है, वो थोड़ा एलिवेटेड भी है ना वहां से। ओ भाई सब तशन है भाई, थार तशन, नॉन फॉरेस्ट तशन। भाई कैसे करोगे तो बताओ, कैसे करोगे भाई? 1 2 3 चलो भाई। भाई साहब टक्कर देती है भाई, नीचे चली तो सही में। ओहो आ रही है भाई, देख सकते हो आप। पर एक्सयूवी को यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा टॉर्क का फायदा मिल गया है और ये लॉन्ग रन में जीतती हुई। इनिशियली मैंने कहा था भाई को कि इनिशियली थार बहुत तगड़ी उठेगी भाई। हाँ जी भाई, एक्सयूवी चलाओ भाई। भाई इसमें सिस्टम वैसे ही है, ट्रैक्शन है इसमें भाई। हाँ जी भाई। ओहो अरुण भाई की कार में पहली बार भाई अरुण पवार की कार ड्राइव करने को मिल रही है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैंने ट्रैक्शन को कर दिया है ऑफ और इसमें विंडो कंट्रोल यहाँ से दे रखे हैं भाई। रुकना भाई एक सेकेंड। इसके थोड़े पास पास में है ना इसके। हाँ भाग, ये रुकती नहीं है, भागने लगती है। हाँ जी भाई चलो। भाई को भी वही दिक्कत हुई भाई जो मुझे हुई थी। भाई को भी वही हुई, मुझे पता है भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की पहली राउंड वाली समस्या हो गई। मैं वही पता था भाई आपसे होने वाली है, मैं समझ गया था। अरुण भाई, अरुण भाई इसकी ब्रेकिंग तो यार बेकार है। भाई ये देखो मेरी पहले निकली, लेकिन एक्सयूवी अपनी टॉर्क का फायदा उठाएगी पूरी। शीशा भी खुला है भाई साहब। हाँ जी जान ज्यादा है, जान ज्यादा। तो भैया मैंने इनिशियली अच्छे से उठाई थी, लेकिन उनको समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रही है। भाई वैसे उसमें मैनुअल में चेंज करने की भी आपको जरूरत नहीं है,
अपने आप होगा वो रेड लाइन होके मतलब पूरा आगे जाके चेंज होगा। जी भाई ये देखो मैंने मैनुअल में हो चुका है, ट्रैक्शन ऑफ कर लेना क्योंकि इसका ऑटोमेटिक ट्रैक्शन भाई पता कैसे नहीं आ गया ऑफ आ गया आ जाती आ गया ना आ गया तो मैं भाई पेट्रोल से करेंगे जब ज्यादा मजा आएगा पेट्रोल से करेंगे जब ज्यादा मजा आएगा। जी भाई रुकना भाई मैं उसमें कर दूं। ओ शेट शेट भाई शेट गड़बड़ होगी भाई ये नहीं बदलती भाई एक्सयूवी की तरह अपने आप। ओ भाई एक कमाल की चीज बताऊं गाड़ी में एसी ऑन था ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन था एक राउंड में फिर भी गाड़ी जीत गई सोचो। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं तो कंक्लूजन एंड ये रहता है कि भाई एक्सयूवी जीतती वो खड़ी भाई की थार आगे क्योंकि भाई पावर आर का फर्क है और मतलब इतनी ऑब्वियस चीज है बस ये जस्ट फॉर फन था भी ये समझ लेना। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं ओके टाटा बाय बाय।